आज के इस लेक्चर में हम मॉडिफाइड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडिफाइड टूल्स में आता है मूव कमांड, रोटेट, ट्रिम, इरेज, कॉपी, मिरर, फिलेट, एक्सप्लोड, स्ट्रेच, स्केल, एरे, ऑफसेट। अगर हम इस पे और क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे मॉडिफाइड टूल्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा मूव कमांड। इसके हेल्प से हम यहाँ पे जो बने हुए ड्राइंग्स हैं उनको मूव करा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे यूज करते हैं इसका। इसका शॉर्टकट की है M। आप अपने कीबोर्ड से कमांड लाइन में M एंटर कीजिए। यहाँ पे देखिए आ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। माउस की हेल्प से आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है और फिर एंटर हिट कीजिए। यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। आप ये जरूर श्योर कीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप मोड ऑन हो। अगर वो नहीं ऑन है तो ऑन कर लीजिए, अदरवाइज हमें इसका सेंटर ये नहीं पता चल पाएगा। जैसे देखिए इसका सेंटर जो शो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट स्नैप की वजह से है। चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं बेस पॉइंट, और हमें मूव कराना था तो माउस के हेल्प से हम मूव कराएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑर्थो मोड ऑफ हो, अदरवाइज हम एक स्पेसिफिक में मूव नहीं करा पाएंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में मूव होगा ये। चलिए अब इस पर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये सर्कल इस बड़े सर्कल के सेंटर पे मूव हो चुका है। अब फिर से देखते हैं मूव कमांड, फिर से M इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं इंटर। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट का आ रहा है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट में मैं 10 पुट करता हूँ, ठीक है। फिर माउस से मुझे डायरेक्शन, मुझे इस डायरेक्शन में मूव कराना है 10 mm, ठीक है। यहाँ देखिए अब आपको सिंपली मैं समझा दूँ, एक फिर से एक सर्कल एग्जांपल लेता हूँ। सेंटर इसका मैं 0.0 पे डालता हूँ, रेडियस इसका मैं 10 mm, ठीक है। ये 10 mm के रेडियस का एक सर्कल है, इसका सेंटर 0.0 पे है। अब मुझे इसको मूव कराना है 20 mm इसके सेंटर से। तो कैसे हम मूव कराएंगे? M इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं इंटर, डिस्प्लेसमेंट में मैं डालता हूँ 0, और मुझे इस डायरेक्शन में मूव कराना था 20, तो मैं यहाँ 20। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर से 20 mm इस साइड में मूव हो चुका है। और इधर एग्जांपल देखते हैं, सर्कल कमांड लेते हैं, इसको सेंटर पे मैं बनाता हूँ 10 mm के रेडियस पे। ये हमारा सर्कल तैयार है। अब मुझे इसको मूव कराना है एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में 20 mm। इसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर 0.0 से मुझे 20 mm मूव कराना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। M इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए इंटर। इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपका ऑर्थो मोड ऑन हो, अगर नहीं ऑन है तो इसे ऑन कर लीजिए। यहाँ देखिए ऑर्थो ऑफ दिख रहा है, अभी हम इसको ऑन कर लेते हैं ऑर्थो ऑन। और डिस्प्लेसमेंट में मैं डालता हूँ 0 इंटर। मैं अब माउस से इसको एक्स डायरेक्शन में मूव के लिए, मुझे इस साइड मूव कराना है तो माउस का कर्सर उसी डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ, और कीबोर्ड से 20 mm इंटर करूँगा। ये देखिए मेरा सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन से 20 mm एक्स, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव हो चुका है। अब चलिए हम इसी को मूव कराते हैं सेंटर पे। आप पहले सेलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को भी, फिर उसके बाद कमांड लेंगे, या फिर कमांड लेके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, उसमें कोई इशू नहीं है।
एम एंटर, बेस पॉइंट 0। अब हमें डायरेक्शन शो करना है, हमें इस डायरेक्शन में मूव कराना है, तो कर्सर को हम उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, फिर 20 mm हिट करेंगे। ये देखिए, ये इजली मूव कर गया। चलिए, इसमें ध्यान रखना है कि आपको F3 ऑन हो, इसके हेल्प से हम प्रिसाइजली मूव करा सकेंगे। अदरवाइज अगर ये ऑफ होगा तो हमें इसका सेंटर ट्रेस करने में थोड़ी परेशानी होगी, हम यह प्रिसाइजली नहीं कर पाएंगे। तो ये था मूव कमांड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है रोटेट। रोटेट पे क्लिक करते हैं, इसमें भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं पहले। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, इंटर किया। अब ये बेस पॉइंट पूछ रहा है, मैं ये पॉइंट इसका बेस पॉइंट ले रहा हूँ। इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखना पड़ेगा। ये देखिए, इसका सेंटर बांध आ गया है। मैं इसका ये बेस पॉइंट लेता हूँ, और ये देखिए, अगर आर्थो मोड ऑन होगा तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में मूव करेगा, जैसा कि ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से मूव हो रहा है। मैं आर्थो मोड इस टाइम ऑफ करता हूँ, और एंगल डालता हूँ मैं 20 डिग्री। ये देखिए, ये 20 डिग्री रोटेट हो गया है। नेक्स्ट है ट्रिम। चलिए, इसके लिए हमें पहले इसके हिसाब से कंडीशन बनाने होंगे। चलिए, मैं एक ये लाइन ड्रा करता हूँ, और एक ये लाइन ड्रा करता हूँ। ये जैसे देख रहे होंगे कि ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। ट्रिम कमांड के लिए आप इंटर कर सकते हैं कमांड लाइन में TR, इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, इंटर, ये ठीक है, आप इंटर दबा लीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये लाइन यहाँ से कट गई, ट्रिम हो चुकी है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड के लिए आप कमांड लाइन में EX टाइप करके इंटर कीजिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लिया, इंटर। ये देखिए, जैसे ही मैं इस लाइन पे आ रहा हूँ, ये देखिए शो कर रहा है कि लाइन टच कर जाएगा या फिर एक्सटेंड होगा आगे, इंटर। ये रहा एक्सटेंड। अब फिर से मुझे अगर ये लाइन ट्रिम करना हो तो हम पहले भी देख चुके हैं, TR, इंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, इंटर। ये देखिए, ये हमारा लाइन ट्रिम हो गया। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा ट्रिम और एक्सटेंड दोनों फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं इरेज। इरेज पे क्लिक करेंगे और इस पे सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए, सिंपल ये इरेज कर दे रहा है। आप ई इंटर करा सकते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए जिसे इरेज करना है, और उसके बाद फिर इंटर प्रेस कीजिए, और वो ऑब्जेक्ट आपका इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट की है CO, इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, इंटर। अब ये सेम है जैसे मूव कमांड है। मूव कमांड में सिर्फ हम उस प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कराते हैं, कॉपी में वो चीज़ कॉपी हो जाएगी बिल्कुल उसी तरह से। इसमें भी पूछ रहा है बेस पॉइंट, इसमें भी मुझे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन रखना पड़ेगा ताकि मैं प्रिसाइजली कॉपी कर सकूं। यहाँ से किया, ये देखिए, नेक्स्ट क्लिक करते चले जाइए, ये कॉपी होता चला जाएगा। अगर हमें एक पर्टिकुलर डायमेंशंस में कॉपी करना है, चलिए देखते हैं इसी सर्कल के एग्जांपल से। सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, CO इंटर करते हैं, बेस पॉइंट पूछ रहा है 0, 0 इसका सेंटर है, 0 लेगा। और सेकंड पॉइंट पूछ रहा है, मैं पुट कर रहा हूँ 20, इंटर। नेक्स्ट है हमारा मिरर कमांड। चलिए इसको देखते हैं, मिरर कमांड।
चलिए मैं इसके इस लाइन के इस साइड एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सेम सर्कल इस लाइन के इस साइड ड्रॉ हो विथ प्रिसाइजली सेम रेडियस पे, सेम डिस्टेंस पे। चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, एम आई मिरर का शॉर्टकट है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, ये इसका मिरर लाइन बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर हम इसको ऑर्थो मोड मेरा ऑन है, अगर इसको ऑफ करके कोई और सेकंड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा तो वो उसी तरह इसी के पॉइंट में ये बनेगा, मिरर होगा। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट दे रहा, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यस नो, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, अगर हम यस कर देते हैं तो वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इरेज हो जाएगा, हमें इरेज नहीं करना, तो नो पे हम रहने देते हैं। एंटर,